लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में यह नामांकन किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जितिन प्रसाद भी रहे मौजूद। और यूपी विधानसभा में दिनेश शर्मा ने नामांकन किया है। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को उपचुनाव, हरदार दुबे के निधन से खाली हुई थी सीट। बीजेपी ने दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ यूपी के लखनऊ से बड़ी जानकारी, दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जितिन प्रसाद भी रहे मौजूद। और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में दिनेश शर्मा ने नामांकन किया है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को उपचुनाव होना है और हरदार दुबे के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर दिनेश शर्मा ने नामांकन किया है। तो यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने नामांकन किया है। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को उपचुनाव होना है, जिसके बाद जो है नामांकन किया गया है। हरदार दुबे के निधन के बाद आपको बता दें कि ये सीट खाली हुई थी और बीजेपी ने दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, गुजरात का प्रभारी रहा, हरियाणा का पर्यवेक्षक रहा और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष चयन में भी रहा। वह विभिन्न बूथों में सदस्यता अभियान तो बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ा सदस्यता महाअभियान में राष्ट्रीय सहयोग की सबसे बड़ी पार्टी माननीय अमित शाह जी बनी, तो मैं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। मतदाताओं ने जिस ढंग से घरों से निकल करके आशीर्वाद दिया है, कमल प्रचंड बहुमत के साथ घोसी में खिल रहा। समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हारते हैं तो इस प्रकार की उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। और आप जानते हैं कि 14, 17, 19 और 22 में चार चार बार समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है और घोसी में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित मान करके इस प्रकार की बयानबाजी कर। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, दिनेश शर्मा ने जो है नामांकन किया राज्यसभा के लिए, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और क्या जानकारी मिल पा रही है और कब ये नामांकन किया गया और कौन कौन इस दौरान उपस्थित थे? देखिए, अगर बात की जाए नामांकन की तो दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन अपना कर दिया है और कुछ देर पहले ही यह नामांकन विधानसभा में किया गया है निशा। हालांकि अगर बात की जाए उनके साथ में मौजूद होने की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही जो डिप्टी सीएम है, फिर वो चाहे ब्रजेश पाठक की बात हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी साथ में मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद है वो भी नामांकन के दौरान साथ में रहे। एक चीज और बता दें निशा, दिनेश शर्मा ने ना केवल राज्यसभा का जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि वो राज्यसभा वही उन्हीं को बनाया जाएगा। क्योंकि विपक्ष की अगर बात की जाए निशा, तो विपक्ष की तरफ से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो एक तरफ से साफ हो गई कि निर्विरोध जो चुनाव है वो जीतने के जो कयास है वो पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से किसी को भी राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया। हालांकि अगर बात की जाए इस सीट की तो पीछे जून में जिस तरह से सीट खाली हुई थी उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, हालांकि दिनेश शर्मा के नाम को लेकर कोई भी ऐसे कयास नहीं थे, लेकिन दिनेश शर्मा के नाम को आगे लेकर आने के बाद में कहीं ना कहीं जो बीजेपी में जो दौर देखने को मिला कि तमाम वो जो अटकलें थी, तमाम जो नाम थे, कुमार विश्वास के नाम की बात चल रही थी, लेकिन तमाम जो नाम थे उनके दावों को किनारे करते हुए दिनेश शर्मा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और 15 तारीख को वोट पड़ना है इस राज्यसभा सीट पर। निशा अनिकेत, वहीं बात कर ली जाए, दिनेश शर्मा की तरफ से नामांकन भी कर दिया गया है, ऐसे में कोई रिएक्शन सामने आया हो? क्योंकि इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, कोई रिएक्शन इन लोगों की तरफ से सामने आया हो?
लेकिन निशा अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी कोई ऐसा कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये जरूर है कि उनके राज्यसभा के नामांकन करने के साथ साथ उनके जीतने का जो दौर है वो साफ हो चुका है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में जो दिनेश शर्मा है वो निर्विरोध जीत अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं आने वाले 15 तारीख के बाद। चलिए निकेत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।